यादव समाज अजमेर में काफी तादाद में है, लेकिन वो हर क्षेत्र में फैला हुआ है। उनकी एक एकजुटता के लिए हम लोग एक महिला संगोष्ठी बनाई है, क्योंकि जब महिलाएं एक होती हैं तो परिवार आपस में मिल जाते ही हैं। तो जब यादव समाज अजमेर में काफी तादाद में है, लेकिन वो हर क्षेत्र में फैला हुआ है। उनकी एक एकजुटता के लिए हम लोग एक महिला संगोष्ठी बनाई है, क्योंकि जब महिलाएं एक होती हैं तो परिवार आपस में मिल जाते ही हैं। तो जब सारी महिलाएं मिली हैं, कोई फाईसागर एरिया से आई है, कोई गुलाबबाड़ी एरिया से आई है, कोई कोटरा से आए हैं, तो वो यहाँ पे सब मिली हैं। अब काफी सारे डिसीजन लिए हैं कि सांस्कृतिक संध्या भी होगी, जिसमें बच्चे भी आएंगे, फैमिलीज भी मिलेंगी, और समाज के उत्थान के लिए भी। जैसे हम लोग का एक है कि भाई एक धर्मशाला नहीं है, तो इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग कि शायद एक धर्मशाला भी हम बनवाएं। तो जब सब मिलेंगे, सब साथ चलेंगे, तो शायद बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो इसी चीज़ को लेकर के माइंड में हम लोगों ने एक ये समाज किया, एक संगठन की एक गठन किया है, जो आज से जिसका स्टार्ट हुआ। और हर मंथ हम मीटिंग रखेंगे इस, और बहनें और माताएं हमारे इस ग्रुप में जुड़ेंगी अब अगले मीटिंग से। समाज की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज की महिलाओं के लिए यही संदेश है कि आप घर से बाहर निकलें, और ऐसे संगठन जो हैं या जो हम महिलाएं थोड़ी सी भी पहल कर रही हैं उसमें जुड़ें। आप जो भी करती हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप घर से बिजनेस करती हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन अपना प्रतिनिधित्व जो है सब जगह दें। अपना आप हर जगह स्टैंड आउट करें। जो भी आप कार्य करती हैं उसमें आप अपने आप को सबको दिखाएं कि हाँ भाई, मैं यादव महिला हूँ, मैं यादव समाज से, और मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए ये सब चीज़ें की हैं। आपका गुड नाइट। किरण, हाँ, किस तरीके की आपका ग्रुप बना और क्या? आज हमने यादव समाज के सभी मातृशक्ति ने मिल के और ये ग्रुप बनाया है। तो इसका नाम है यादव एकता, यादव मातृशक्ति एकता मंच। और यहाँ पे हमने एक छोटी सी पहल की है कि क्योंकि हर समाज आगे हो रहा है, हमारा यादव समाज थोड़ा सा, यादव समाज से महिलाएं कम निकल रही है। हम चाह रहे हैं कि हर घर से यादव महिला निकले, बहनें निकले और समाज में आगे बढ़े। मेरे साथ में सभी यादव ये जो मेरी बहनें आई हुई हैं। इस ग्रुप का क्या उद्देश्य रहेगा आने वाले टाइम में? इसका ये है कि समाज में आगे बढ़ना, जो महिलाओं को, जैसे पुरुष किसी भी महिलाओं का आजकल के पहले बाहर नहीं निकलने देते थे, अब ये है कि हर घर से महिलाएं बाहर निकले, समाज में आगे बढ़े, अपनी पहचान बढ़ाए, अपनी पहचान बनाए, और जो भी यहाँ पे समाज में हो रहा है उनका हिस्सा बने, बस यही है। आपका परिचय? लक्ष्मी यादव।